कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और आज का कोई मैं ब्लॉग नहीं शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास ब्लॉग नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास 3-4 ब्लॉग मेरे पास हैं, लेकिन मेरे को आज के टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था ये मुझे वीडियो शेयर करना आप सबके साथ। शुरुआत कहाँ से करूँ ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की आपको सारी चीज़ें। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें किडनी से लेके कुछ ऐसा टाइटल था। एक लोग जब एक कमेंट निगेटिव आता है ना, जैसे जिसको हम ट्रेंड कहते हैं आजकल के ज़माने में, तो वो ट्रेंड चलने लगता है। तो एक ने किसी ने निगेटिव लिखा तो उसके नीचे और बारी बाकी बाकी, तो वो गलत फहमी हुई कहाँ से थी और वो चीज़ें क्या थी वो चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि व्यूज़ पाने के लिए इतना गिरना सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप सब ने, जो भी लोगों ने कमेंट किया, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ टाइटल्स आपके ही निगेटिव कमेंट होते हैं जिनको मैं उठा के अगर मैं वीडियो बना देती हूँ तो उस टाइटल को देख के आप लोग का एक रिएक्शन निकलता है, तो उस तरह के कमेंट किया ही ना करिए। अगर आपको उस टाइटल को पढ़ने में इतनी अजीब सी लगती है चीज़ें, तो जब आप उस कमेंट को करते हो तो आपको अजीब नहीं लगती वो चीज़ें, ये एक पॉइंट है। तो मैं बता रही हूँ कि हुआ क्या था। एक सेकेंड, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कल की वीडियो नहीं देखी होगी तो जाके देखिएगा। मेरी सिस्टर आई हुई थी जो सेकेंड वाली, जो इतने दिनों से यहाँ नहीं थी, तो वो बनारस से अचानक से आई। तो उस वीडियो में मैंने वो चीज़ें शेयर करी थी, और मैंने उसके किडनी में स्टोन है उसके, उससे कुछ ऐसा मतलब निकला है अल्ट्रासाउंड में, तो वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी थी। लेकिन कल क्या हुआ था कि कल था संडे और हम लोग चले गए थे गाज़ीपुर मार्केट, और वहाँ से आने के बाद हमें 7 बज गए, और 7 बजे आने के बाद मैंने फटाक से वीडियो एडिट की, मैंने उन लोगों को दे दिया, मैंने उनको बता दिया कि यार मैंने वो वाली चीज़ें तुम्हारी बताई है तो तुम थोड़ा थंबनेल टाइटल का कर लेना और मैं खाना पीने का देख लेती हूँ। तो उसने कर दिया, और वो वाली क्लिप मेरे से एडिट करने में रह गई जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरे सिस्टर की जो रिपोर्ट आई है तो किडनी में स्टोन मतलब बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो कुछ ऐसा उसका उसके रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं, इस हिसाब से उस टाइटल को डाला गया था। लेकिन बाई चांस वो चीज़ें, वो क्लिप, वो थोड़ी सी जो भी थी वो रह गई थी, तो उसके उसको लेके इतना बड़ा मुद्दा बनाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत थी। इतने कमेंट, और कमेंट में श्राप लोग देने लगे, मतलब किस तरह की चीज़ें लोग करते हैं मुझे समझ नहीं आती हैं। वो एक नॉर्मल सा था कि अगर उसको प्रॉब्लम थी तो, क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पे हम ब्लॉगिंग करते हैं तो अपनी हर चीज़ें ही लगभग शेयर करते हैं आप सबके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 3 साल से, अगर आप 10 दिन किसी चीज़ के साथ रहो, एक आप पौधा लगाते हो उससे आप इतना कनेक्ट हो जाते हो, तो यूट्यूब की जो आपकी फैमिली बनाते हो, जो एक एक सब्सक्राइबर करने में जो हमारी मेहनत लगती है, जब शुरू में हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, जब हमें 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है चैनल मोनेटाइज की, उन दिनों में हमारे एक सब्सक्राइबर कितने मायने रखते हैं, कितने मायने रखते हैं आप सब बताइए। और एक लोगों ने लिखा तो सारे लोग उसी तरीके की चीज़ें करने आ जाते हैं। समझना चाहिए कि कभी कभी टाइटल थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है टाइटल को लेके। मैं सारे लोग की बात कर रही हूँ, अगर मैं अपने खुद के अकेले की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जो भी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं आप, टेक्निकल के चैनल देखोगे जो भी टेक के होते हैं, तो उसमें तो मतलब थंबनेल टाइटल ऐसे अट्रैक्टिव रहते हैं, कोई भी चीज़ आप किसी चीज़ के रिव्यू देख रहे हो तो ऐसे ही ब्लॉगिंग के थोड़े बहुत इधर थोड़े उधर चलती रहती हैं चीज़ें, कभी अच्छे होते हैं कभी थोड़े से टेढ़े होते हैं कभी ऐसे होते हैं, लेकिन हर चीज़ें व्यूज़ के लिए नहीं होती हैं। पहली बात, अगर व्यूज़ के लिए चीज़ें होती तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारा टॉपिक है, व्यूज़ ही सब कुछ है, सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं। क्या मैं उस टाइटल डाल देने से वो वीडियो ट्रेंड में आ गई, यूट्यूब के मिलियन उस पर व्यूज़ आ गए, ऐसा नहीं ना। तो मैंने जाके फिर क्योंकि क्या होता है कि 8 से 8:30 के बीच में मेरी वीडियोज़ आती है, तो तब मैं खाना बना रही होती हूँ, मोस्टली यही होता है, मैं खाना बना रही थी। फिर बाद में जब मैंने कमेंट चेक किया तो बोला इस तरह के निगेटिव कमेंट कि हो जाए तुम्हारे बहन का किडनी ख़राब हो जाए, ये हो जाए, वो जो फालतू के ये क्यों हो रहा है। तो मैंने फिर जाके अपनी वीडियो को जहाँ से मैंने एडिट करती हूँ ना, काइन मास्टर में गई, वहाँ जाके मैंने देखा और बोला शिट, ये तो वाली चीज़ें तो मैंने शेयर ही नहीं करी है, मतलब ये वाला क्लिप तो मैंने ऐड ही नहीं किया, ऐसा इसलिए ये चीज़ें हो रही है। तो मैंने फिर उसका टाइटल जो है वो चेंज कर दिया, मैंने बोला नहीं ये तो मेरे से गलती हो गई, मतलब गलती से ये चीज़ गलती हो गई,
तो मैंने इनको बोला कि, और रही बात जिस कि आपको बहन से अपने प्यार नहीं, वो चीज़ उन्होंने, वो टाइटल जो भी था मैंने बस सजेस्ट किया था, तो वो उन्होंने ही किया था, उन्होंने ही डाला था। तो इस बात को लेके इतना बड़ी चीज़ें, इतना बड़ा इशू बनाने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है। तो एक है कोई, वो आके लिखती है कि मैंने तो हालांकि रिमूव कर दिया, मैंने पढ़ लिया था, पहले ही देख लिया, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब इतना लंबा चौड़ा सा वो कमेंट करके गई, मतलब मुझे समझ नहीं आता। आप निगेटिव लिखते हो खुद, तो फिर वो चीज़ें आपको मतलब अच्छी लगती हैं, किसी के भी बारे में जाके बुरा भला लिखते हो, और अगर बाय चांस आपके ही कमेंट को उठा के मैंने अपने टाइटल में डाल दिया, तो वो चीज़ें कितनी तकलीफ़ देने लगती है, क्योंकि आपको पता होता है ना आपकी मानसिकता तो वही है। तो ये मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, बाकी मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार करते हैं। व्यूज़ मुझे पता है, मुझे YouTube का सब कुछ पता है कि कब कहाँ से कब डाउन होते हैं। ये YouTube या सोशल मीडिया पे अगर आप कैरियर बनाने के लिए आए हो, तो ये मत सोचो कि एक बार आपका नाम हो गया है, आपकी बहुत मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं तो आ रहे हैं। बाकी जो ये ब्लॉग होते हैं, ये क्या होता है कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम। यहाँ पे एक आपका ऐसा कैरियर नहीं है कि वो बरसों चलेगा। आपका 10 साल 15 साल आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहे हो तो वो चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके जिए। मेरा ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूट्यूब पे काम नहीं करूँगी तो मैं एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाऊँगी। मैं ऐसे घर से या फिर ऐसे फैमिली से नहीं हूँ। हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जहाँ पे मेरे यूट्यूब पे काम करने या ना करने से हमारे घर की रोजी रोटी नहीं चलती है। हाँ, यूट्यूब पे अर्निंग करने से मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर पाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा एक नाम है, मैं अपना खुद का पहचान बनाना चाहती थी, मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि व्यूज़ ही सब कुछ है। अगर व्यूज़ कम आते, इतने दिन से कम आ रहे हैं, आज 4-5 महीने से मेरे व्यूज़ बहुत डाउन है, और 1-1.5-2 महीने से तो बिल्कुल भी। मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती थी, या क्या क्या टॉपिक लेके आ सकती थी, क्या क्या चीज़ें, लेकिन नहीं, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ, उतने शिद्दत से, उतनी ही मेहनत के साथ, उसी रेसिपी के साथ, अच्छी अच्छी उसी एनर्जी के साथ मैं हर रोज़ मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। मैंने कभी आप लोग को जताया नहीं, कभी ये नहीं बोला कि मैं वीडियो में मेरे लाइक करिए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए एकदम भूखी मरी। मैं बोल देती हूँ कि अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए ही सारी चीज़ें होती हैं या लोग करते हैं। हाँ, करते हैं लोग, लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी है, पर्सनालिटी है। मुझे 3 सालों से जान रहे हो, जो जान रहे हो तो आप लोगों को सब कुछ पता है मैं कैसी हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मैं झूठ बोलूँ सच बोलूँ। आप झूठ बोल के ना अपने चैनल को 1 दिन 2 दिन 10 दिन, एक बारी को मैं बोलती हूँ 2-4 महीने झूठ बोल के वायरल कर सकते हो। एक ने लिखा, कार के लिए मैंने बोला था कि, तो उसमें लिखा कि अरे ये गरीबी का नाटक करती है, इसके पास ऑलरेडी कार है, आपके मुंह में घी सककर कार ऐसा होता, बस ये दिखाती है। कितने दिन तक हम गरीबी का नाटक करेंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन, कब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कार है और मैं बस में और ऑटो में धक्के खाते मैं ट्रैवल करती हूँ, मतलब मैं ऐसा करूँगी यूट्यूब के लिए। तो हंसी भी आती है, सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं, चीज़ें कभी ऐसी हो जाती हैं कि क्या ही करें, क्या ही बोलें ऐसे लोगों को, और वो चीज़ बहुत नॉर्मल चीज़ थी। और आप लोग देखेंगे भी कि, यानी कि ये मैंने BHU की वीडियो डाली थी, हालांकि हॉस्पिटल में मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, बिकॉज जहाँ पे BHU में बहुत सारे, जैसे मैं जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ अभी गई थी, वहाँ पे मेरे यहाँ के थे लोग, तो मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं फ़ोन लेके घूमूं या फिर ऐसे शूट करूं। तो उसमें मैंने दिखाया था, हम अल्ट्रासाउंड के लिए भाग रहे थे। अब जैसे क्या होता है कि आप बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लॉगरों को या फिर ब्लॉगर लोग को आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी वो लोग जाते हैं तो वो कैमरा वहाँ पर रहती है, वो अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है तो वहाँ पर कैमराज रहते हैं, या फिर तो वो एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो, वहाँ पर जाके आप सारी चीज़ें पहले से ही सेट करके रखते हो, वो चीज़ अलाउ होती है वहाँ पे। लेकिन जब आप ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे और वहाँ पे कहीं भी जांच वगैरह होते हो, वहाँ पे कैमरा लेके आप धड़धड़ाते हुए नहीं पहुँच जाओगे। हर चीज़ की एक नियम होते हैं, तो मैं वो चीज़ भी दिखाती कि कब मेरे बहन का अल्ट्रासाउंड हुआ, तो कब वहाँ पे क्या निकली चीज़ें क्या नहीं। हाँ, मैं बता देती हूँ आप सबको, वो चीज़ मैंने बताई भी थी आप सबको रिपोर्ट में, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आई तो वो इतनी घबरा सी गई, तो वो यहाँ आ गई, बोली कि मैंने बोला उसको, उसने बताया नहीं, क्योंकि ऐसे सरप्राइज़ देना चाह रही थी। उसने आके बताया कि दीदी आई जब, तो मुझे उसने फ़ोन पे बताया था कि ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो एक और जांच लिखी है तो वो कराना है मैंने। तो मैंने खुद उसको बोला कि
ठीक है, आप आओ यहाँ पे, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ चलूँगी और फिर मैं आपकी जो भी जांचें वगैरह होंगी वो मैं आपको सब करवा के दूँगी। तो ये एक छोटी सी गलती थी जो मेरे से भी कहीं हुई, लेकिन आप सबको भी समझना चाहिए चीज़ों को और इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शाम का टाइम हो गया ना तो मच्छर बहुत सारे आ रहे हैं। तो पहले मैं इतनी ज़्यादा वीक थी मेंटली, मतलब मानसिक तौर से, मैं यूट्यूब पे ये सब चीज़ें होती मैं तुरंत से रोने लगती थी, मैं मेरी वीडियो में बहुत दुखी सी हो जाती थी, मैं मेरे आंसू निकलने लगते थे। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे मजबूत हो चुकी, मतलब एक होता है ना कि चीज़ें देखते देखते हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं या बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं तो हम उन सब चीज़ों को समझने लगते हैं। आई होप कि आप सब समझेंगे। एक छोटी सी ये मिसअंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी में शायद यही बोलते हैं, गलत फहमी कहेंगे, मेरे से कुछ चूक कहेंगे, ये चीज़ें हो चुकी थी, इसलिए ये चीज़ें हुई। और इस तरीके की चीज़ें ना करें, आप लोग मुझे जानते हैं। जैसे मुझे अपने गलती का रियलाइज़ हुआ, मैंने फटाक से जाके वहाँ पे टाइटल चेंज किया, तो उसके लिए भी कुछ निगेटिव चीज़ें, और इंस्टा पे आके मुझे इतना कुछ सुना के जाना, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ें क्यों होती है, क्या होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहती तो उनको नहीं भी शेयर करती, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं शेयर कर दूँ तो मैं लिख के देती हूँ, मेरे मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। तो नाटक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कार दिखा के मैं शायद अच्छी व्यूज़ कमा सकती हूँ, एक अच्छी लाइफ दिखा के, है ना, कि मेरे पास कार है, मेरी यही घर है, मेरी यही छोटी सी ज़िंदगी है, मेरी यही एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया है, और उस प्यारी सी दुनिया की आप सब एक हिस्से हो, जैसे कि मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा सा बन गई हूँ। रोज़ हर रोज़ आना, एक वीडियो बनाना, आप सबके साथ शेयर करना। तो हम मिलेंगे आप सबके साथ कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस तरह की चीज़ें ना करें। पापा का फ़ोन आया है तो छोटी बात कर रही है, और हम मिलते हैं आप सबसे कल। आई होप कि आप सब समझेंगे, और मुझे इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, इस तरह के एडिट करने से पहले ब्लॉग को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए था, तब मुझे करना चाहिए था, इसलिए मैं भी माफ़ी चाहूँगी आप सबसे, और जहाँ पे मेरी गलती है वहाँ पे मैं सर झुका के आप सबसे माफ़ी मांगूंगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ें गलत थी, इंस्टा पे आके ये सब चीज़ें सुनाना या फिर ये चीज़ें करना। मिलते हैं आप सबसे कल की एक अगले वीडियो के साथ, तब तक रखिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल।